हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ह्यूमन बॉस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस वर्ड में हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम कृति देव से हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उसमें बहुत हार्ड टाइपिंग रहती है, बहुत से लोग कर नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि हम कोई इंग्लिश में वर्ड टाइप करें, वो खुद पे खुद हिंदी में टाइप हो जाए ताकि आपकी टाइपिंग भी बहुत आसानी हो सके। इस वीडियो में मैं आपको पहले एक डेमो दिखाऊंगा करके, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको वो एप्लीकेशन क्या डाउनलोड करना है और किस तरीके से वो वर्क करती है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को ओपन करके आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहां पे टाइप कर लेता हूं, मेरा नाम विकास कुमार है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में यहाँ पे टाइप हो जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा टाइप कर लिया, मेरा नाम विकास कुमार है। और दूसरा भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, मुझे कल आगरा जाना है। तो जैसे मैं KAL लिखता हूँ तो अपने आप कल लिख जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगरा AGRA लिखता हूँ तो उसमें आगरा हिंदी में टाइप हो जाता है, और जाना JANA, जैसे हम मैसेज में व्हाट्सएप में लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे टाइप हो जाता है। और कभी आपका वर्ड गलत हो जाए, जो आपका सबसे ऊपर सजेशन में आ रहा है वो वर्ड नहीं हो, तो आप नीचे की साइड आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर तक यहाँ तक दे रखे हैं, वो शुद्ध शब्द सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको एक बात का और बता दूँ इसमें, जैसे कि आप इंग्लिश में कोई भी टाइप करते हैं, जैसे मुझे MUJA लिखते हैं और वो वर्ड सही होता है पहले नंबर पे, तो आपको स्पेस का बटन दबा देना है। स्पेस का बटन दबाते ही आपका ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाता है और दूसरा वर्ड आपका तैयार होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप KAL लिखेंगे तो स्पेस जैसे दबाएंगे तो कल अपने आप लिख जाएगा। अब बात करते हैं हम कि हमारे कौन सी एप्लीकेशन ये डाउनलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गूगल इनपुट टूल नाम की एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड करनी है। आपको गूगल में यहाँ पे टाइप कर देना है, डाउनलोड गूगल इनपुट टूल, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, डाउनलोड गूगल इनपुट टूल जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जैसे आपका इस तरीके से इंटरफेस खुल जाए उसके बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एक लिंक दिखेगा गूगल ड्राइव का। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल इन हिंदी इनपुट सेटअप जिप, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। कभी कभी लिंक वर्क नहीं करता है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड का बटन यहाँ पे दे रखा है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है लेकिन मैं दोबारा से आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि डाउनलोड किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे एडवर्ड कुछ नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे दोनों डाउनलोड हो गए हैं, पहले भी करके देख रखा था आपके समय बचाने के, लेकिन मैंने दोबारा से यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। शो इन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मेरे दोनों डाउनलोड आ चुके हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक गूगल इनपुट टूल यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इस फाइल को, जो मेरी डाउनलोड हुई है फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो ये नीचे ही फोल्डर बन जाएगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट टू गूगल हिंदी इनपुट टूल सेटअप, मतलब इसी का एक अलग फोल्डर बन जाए। तो मैं चाहता हूँ इसी का अलग एक फोल्डर बने, उसी में सारा डाटा रहे, कोई अलग इससे अलग नहीं जाए। तो मैं एक्सट्रैक्ट जैसे करता हूँ उसके बाद फोल्डर ओपन आ जाता है, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे गूगल इनपुट हिंदी, गूगल इनपुट टूल, आपको इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप गूगल हिंदी वाले पे करते हैं तो आपका थोड़ा सा इंस्टॉलिंग यहाँ पे लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिनिश कर देना है इसको, और दूसरे वाले को भी आपको इसी तरीके से सिंपली यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रीबूट के लिए जो ऑप्शन आता है, यस वाले पे क्लिक करना। मैं फिलहाल यहाँ पे यस नहीं करता हूँ, आपको यस वाले पे जरूर करना है, क्योंकि रीबूट करने के बाद वो फ्रेश हो जाता है और आपका आसानी से वर्क होने लगता है। जैसे आप रीबूट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एमएस वर्ड वाले एमएस वर्ड पे चले आना है।
ठीक है फ्रेंड्स, एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आपको नीचे EN करके ये वाले ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, जो भी आपकी टाइपिंग होगी पहले ये बात का ध्यान रखें, एमएस वर्ड ओपन होने के बाद ही आप अपना सेलेक्ट करें, उससे पहले सेलेक्ट ना करें, क्योंकि फिर आप पहले हिंदी का सेलेक्ट होता है, आप बाद में इंग्लिश का ऑटोमेटिकली इसमें वर्क करता है। तो मेरा यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट है, इंग्लिश जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं जो टाइप करूँगा वो इंग्लिश में ही टाइप होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा जैसे विकास कुमार मैंने इंग्लिश में टाइप करा तो मेरा इंग्लिश में टाइप होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे मेरा इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्ट है तो मेरा इंग्लिश में टाइप होगा, और आप हिंदी में सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से यहाँ पे चेंज करके हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।